एक्सपायरी के दिन का प्लान क्या कर सकते हैं। देखो, एक्सपायरी के दिन के लिए हमें आज का दिन देखना होगा, विशेष और पीछे के 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन हो गए ना, एक यस दो तीन, एक दिन की छुट्टी और फिर ये। तो ये दिन एक्सपायरी कौन से दिन की थी? इस दिन की थी, 29 तारीख की एक्सपायरी से शुक्रवार को मार्केट ऊपर भगा, ये ट्वेंटी सोमवार और नाइन मंगलवार, 29 की 29 की थी तो सर। हमारे को ये 3 दिन मिले हैं और इस 3 दिन के बाद हम प्लान कर रहे हैं अब एक्सपायरी के डे का। और प्राइस एक्शन हमने क्या डिसाइड किया था, देखो ये पूरा पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन था इससे इसके बीच का एक ही कैंडल में कवर हो गया था, जो फास्ट हुआ था, ये वाले कैंडल में वेव बना रहा है जहाँ पे स्टेइंग पहले भी ऑलरेडी ज़्यादा रह चुकी है। और इसी के अंदर यहाँ पे आया था अपना ये प्लान था कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या इसको पार करेगा तो फिर बहुत तेजी से शार्पली नीचे आएगा, बट ये रिट्रेसमेंट किया, इस एंगल से ये एंगल पार करता है। आज मैंने भी एक लेवल डाला था 800 के आज ऊपर की साइड में आप बाइंग कर सकते हो, 860 का एक मेन लेवल था 860 जिसके ऊपर अग्रेशन से बाइंग हो सकती है, अच्छी बाइंग। और ये लेवल भी पता है जो ये लेवल आया कौन सा लेवल है, देखो मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड अपना दूसरा वाला चार्ट का, ये वाला लेवल है, डिट्टो आप निकाल के देख लो, यही लेवल है, करीबन उसके आसपास का ही लेवल है। अब ये वाला ही पार्ट है जो इसको सपोर्ट करेगा और ये काफी दिन पुराना पार्ट है, फरवरी का पार्ट है, वहां से अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है। और ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर के एंगल मिलते हैं 410 के, और 410 का डायरेक्ट एंगल नहीं है, इनडायरेक्ट ही एंगल है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 410 में इधर तक अपना ये लेवल आ जाएगा, ठीक है, 410-32, तो 410-32 तक का तो अपने पास ऊपर का ये सरफेस पड़ा है जिसमें हम प्लान कर सकते हैं। अब बात ये देखना ये है कि ऊपर जाएगा कि मार्केट नहीं जाएगा या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे तो जो ये लेवल बना हुआ है ना, वो जस्ट ये लेवल एक ही ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो हम पीछे देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर ये वाला ही लेवल है, ये डायरेक्ट लेवल हो गया, तो डायरेक्ट लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसको पार करेगा तो ऑब्वियसली ये इस लेवल को टच कर जाएगा, इस लेवल तक तो आ जाएगा। तो ये लेवल अब हम ये मान लो कि अपने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक दिन का। अब 15 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं, 15 मिनट में आज मैंने जो 860 का लेवल दिया था वो थोड़ा सा इस स्लोप के कारण से ऊपर की साइड दिया था, क्योंकि लगभग यहाँ पे अगर हम लेवल निकाल के देखें, देखो ये आ जाता है 38, नहीं ये नहीं था 38, 860 ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल पर्दे के पीछे वाला, अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं, फिर ऊपर के एंगल में फिर जाएगा शार्पली, क्योंकि हमें ब्रेकआउट हुआ था इस जगह की, ब्रेकआउट थी, प्रोटेक्शन मुझे देखना था तो मैं इस एंगल से प्रोटेक्शन निकाल रहा था जो पीओसी, और ये अगर ब्रेक कर गया तो फिर शार्प है, इसने इस लेवल का भी कोई, देखो इसके बाद हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है क्योंकि डायरेक्ट विजिबल पॉइंट ये है, विजिबल पॉइंट के जस्ट ऊपर का हमें एक वो पॉइंट ढूंढना होता है जो मार्केट को रोक ले। अगर वो नहीं रोकता है तो उसके बाद मान लो कि ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट को सक्सेस भी कर दिया, प्रोटेक्शन में कुछ वैल्यू नहीं करी, तो मार्केट आप ऊपर का है। अब ऊपर के लिए अगर हम मार्केट को देख रहे हैं और हमें रिदम देखनी हो कि क्या रिदम है, पहली बात तो ये फ्लो का तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर ये जो रुकने वाले जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल इम्पोर्टेंस बनाते हैं। अगर हम इसको पूरे 15 मिनट से हटा के अगर 5 मिनट में हम देखें इस पूरी फॉर्मेशन को, तो पूरे फॉर्मेशन को चैनल में डाला जा सकता है। अगर हम ये पॉइंट लें, ये दोनों पॉइंट लें और इन पॉइंटों से कनेक्ट कर देते हैं, तो देखो पूरा एक चैनल फॉर्मेशन में आ जाता है, जैसा कि हमने 1 मिनट पर भी ये चैनल बनाया था आज, ठीक है, वो 5 मिनट के ऊपर भी बन जाएगा। और मिडल की लाइन भी क्या वैल्यू देती है, प्रॉपर वैल्यू है मिडल लाइन पे भी, तो ये भी एक वेव में चला। और कल का भी जो मार्केट था 5 मिनट का, ये कल का क्या 3-4 दिन का पीछे का मार्केट अगर हम देखते हैं तो वो एक पूरी वेव फॉर्मेशन में था, और ये भी रुकावट है ना, ये रुकावट भी ऐसे ही नहीं है, ये रुकावट आपको लग रहा है कि चैनल में एक सरफेस छोड़ रखा है, ये भी MTF वैल्यू दे रहा है, अभी मैं बताऊंगा देखो कौन सी वैल्यू देगा। यहाँ पे हमारे यहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई थी करीबन 29 तारीख को, जो ये डाउनफॉल खत्म हुआ, जो एक डाउनफॉल आ रहा है वो खत्म हुआ, यहाँ से एक गिरावट आई, वापिस से ऊपर की साइड एक रिदम बनना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ इस जगह ट्रेप किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर लास्ट ट्रेप होके अब यहाँ से एक चैनल बनना स्टार्ट होता है। और अगर इस चैनल को हम डिवाइड करते हैं इस पार्ट को इस पार्ट से मैच करते हुए,
एक ये का ये फॉर्मेशन ऊपर की साइड बनता है, और सेम डिटो कॉपी करके मैंने ये फॉर्मेशन नीचे डाला था, सेम, ठीक है, सेम ही है ये। तो दोनों के दोनों सेम फॉर्मेशन है, दोनों फॉर्मेशंस में अपने को कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करके ये वाला ब्रेक करने के बाद फास्ट हुआ, फिर ये पॉइंट मिला, फिर यहाँ से यहाँ ठहराव किया, यहाँ रिटेस्ट किया, वापिस आया, रिटेस्ट किया, वापिस आया, रिटेस्ट किया, ये पॉइंट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी हमें ऊपर के लेवल अभी भी अप्लीकेबल रहेंगे, बट अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट को रेसिस्टेंस किसने दिया, तो हमारे लिए जो मेन ब्रेकआउट एरिया रहेगा और ठहराव का एरिया रहेगा, कहीं ना कहीं ये रिदम से पहले ये वाली रिदम भी है और इससे पहले ये वाली रिदम, तो एक्चुअल में ब्रेकआउट ये एरिया पे, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने यहाँ से पूरा ब्रेक करके दूसरी साइड नीचे की साइड गया, तो हम इस पॉइंट को उठा लेंगे, ये पॉइंट को डिटो उठा लो। अब अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करके आगे बढ़ाऊंगा तो आपके ये वाले लेवल आ जाएंगे, ये वाले लेवल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान ले मैं इसको इसको टच करता हूँ, तो इसके टच पे अपना यहाँ से ये सीधा इस टच को करेंगे, तो ये वाला ब्रेक करने से पहले का एक ठहराव इसने दिया, इसी ठहराव को इसने दोबारा लिया है, ठीक है, इसी के बेसिस पे मार्केट आगे चला। तो ये सारे पॉइंट है जो कैलकुलेट करके निकाले जा सकते हैं, बट उनके पीछे वेव की समझ होनी चाहिए। अगर हम वेव देख रहे हैं ना, तो ये वेव एक वेव है, ये वेव एक वेव है, ये एक वेव फॉर्मेशन है, और वेव फॉर्मेशन एक कैलकुलेशन में चलती है। अब उसमें कई डे आ गए, देख लो, ये 29 तारीख आ गया, 30 तारीख आ गया, ये 1 तारीख आ गया, आज का ये 4 तारीख था, और कहीं ना कहीं ये रेंज अच्छे से ट्रेप कर ली मार्केट ने, और ट्रेपिंग में जो लास्ट फ्लेम होती है वो वैसी लास्ट वाली सी दिख भी रही है, और कहीं ना कहीं ये हम फॉर्मेशन यहाँ पे भी निकाल ही रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि ये एरिया जा सकता है, उस एरिया की मैच्योरिटी चीजें निकाल के यहाँ से मार्केट अब वापस उठ रहा है। यहाँ आज मार्केट थोड़ा ठहरा है, ठीक है, मॉर्निंग में एक प्रेशर देने के बाद लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग में मैंने पैसा कमा लिया, ऐसे में वो मार के पैसा कमा लेते हैं कॉल वॉल, फिर ये एरिया होता है उनकी फाइटिंग का, जिसमें पूरे दिन पैसा गवाते रहते हैं, जो कमाया हुआ पैसा लास्ट में उससे कहीं ज्यादा दे के चले जाते हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं मेनली एक्सपायरी के डे का, तो एक्सपायरी के डे के लिए हमारे पास सिर्फ इस बार 3 डेज, 4 डेज नहीं है, और एक्सपायरी आ गई है, 3 डेज कौन से हैं, ये 3 डेज, ठीक है, ये 3 डेज। अब इसको हम 15 मिनट पे देखते हैं, वैसे एक एक दिन पे तो हमें एक चीज दिख रही है कि बाइंग क्लियर हो रही है, बाइंग मतलब बाइंग की साइड मार्केट जा सकता है, अगर ये लेवल अब हाई ब्रेक करेगा, नहीं तो एक ठहराव के साथ रुक के फिर सेकेंड फॉर्मेशन में भी ये बाइंग की साइड जा सकता है और नीचे की डायरेक्शन में भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से हम क्लियर लेंगे और वेव वाइज अगर इसको समझें, तो वेव कौन सी आ रही है, ये वाली वेव जो सस्टेन कर रही थी, यहाँ के बाद इसने यहाँ सस्टेन किया, यहाँ के बाद ब्रेक किया, ये सस्टेन किया, और यहाँ के आसपास आया जहाँ पे एक सरफेस मिला था, उधर की साइड से हॉरिजेंटल भी एक बैरियर मिला था ये, और ये दोनों के दोनों बैरियर आज मार्केट ने क्लोज कर दिए हैं ऊपर की साइड में, जिसने कि ऊपर के लेवल्स को खोल दिया है। अब ऊपर के लेवल कहाँ तक हैं, हम मेनली इसको निकाल के चल रहे हैं 400 वाली लेवल, जो 40 क्या है ये वाला लेवल, तो ये कितने पे आता है, 40 39 हज़ार 400 500 के आसपास मान के चलो, इस लेवल से अब ये इस जगह कैंडल जाएगी, इस जगह कैंडल जाएगी तो 582 600 के आसपास आप मान सकते हैं, और पर्दे के पीछे के प्राइस से इसको हम लें तो लगभग यही लेवल मानो 39 600 के आसपास, और 39 600 अभी खड़ा, 39 100 150, तो 400 500 पॉइंट ऊपर का और मार्केट मोमेंटम मिल सकता है। इसमें एक गैप तो बैरियर है ही है, ये गैप वाला बैरियर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, ये यहीं से काम करना चाहिए, अगर फिर भी ये गैप में काम करता है कोई एंगल इस ब्रेकआउट में तुरंत अगर सेल में आता तो सेलिंग हो सकता, नहीं तो इस एरिया के ब्रेक के बाद में एक फास्ट लेवल यहाँ से 500 600 पॉइंट का इजिली मिल जाना चाहिए, ये गैप फिल भी हो जाएगा, ये एंगल भी पार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आप रेसिस्टेंस अपने को देखने को मिल सकता है जहाँ अप्रोच करेगा मार्केट। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ से हमें एक व्यू मिला है, वो व्यू क्लियर कर रहा है कि मार्केट ये वाली रेंज वैसे भी थी, और ये वाली रेंज हम दूसरे वाले एक दिन के चार्ट पे भी निकाल के आए हैं, यहाँ के एंगल हमें यहाँ से भी दिख रहे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक क्लियर हुआ है, थोड़ा बहुत डिप लेके जो भी डिप लेगा उसमें बाइंग की साइड ही देखेंगे, बाइंग की साइड देखेंगे क्योंकि इस एरिया में मार्केट अब दबा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बाइंग का प्रेशर अच्छा है, यहाँ क्लियर विजन कर दिया है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है,
उस रिट्रेसमेंट पे हम व्यू हमारा अब सेलिंग का नहीं है, मोटा मोटी बाइंग का ही है। बट ये ब्रेक करने से पहले साइकोलॉजी वाइज मार्केट अगर, क्योंकि देखो एक मिनट का चार्ट भी देखते हैं ना, 1 मिनट का चार्ट कहाँ गया, लास्ट में बाइंग का इंडिकेशन दिया है मार्केट ने, जिसकी वजह से हमारे लिए ये लेवल और ये लेवल के मिडल के लेवल या इसके आसपास खुलना, ये सारे लेवल ट्रेप करके सेलिंग का एंगल बनता है। वो फास्ट एक्स के सेलिंग बन जाएगी जो रिट्रेसमेंट इस एरिया को ले सकती है, और वो एरिया रिट्रेसमेंट मान लो कहाँ तक आ सकता है, ये वाले एरिया के आसपास तक को हम ले सकते हैं, ये वाले एरिया या ये वाला एरिया कहीं से इसके आसपास पड़ाव लेगा। अगर हम यहाँ से भी रिदम निकालें तो लगभग ये वाली कनेक्टिविटी आ सकती है यहाँ से आसपास तक। ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ एक बार। चलो ठीक है, यहाँ के आसपास तक वैसे भी रिदम दिख रही है जिस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी पीओसी बनाते हैं तो भी तो हम पजल वाले एरिया तो लेते हैं, तो ये वाला पजल वाला एरिया है, इसको हम नीचे से कवर करते हुए जाते हैं, तो लगभग यही एरिया के आसपास हम देखते हैं कि मार्केट वापस से बाइंग की साइड अग्रेशन दे सकता है, जो कि यहाँ ट्रेप है। तो ये एरिया फिर हमारे बाइंग के लिए हो सकता है, तो थोड़ा सा इस जगह पे हमें सावधान रहना पड़ेगा जो भी एंगल मिलेगा, क्योंकि लास्ट में बाइंग दिखाई हुई है, उस एंगल से हमें यहाँ के लेवल के एसएल, यहाँ के लेवल के एसएल और यहाँ तक के लेवल के एसएल इजीली खा सकता है। तो ये जो लेवल है 38,953 वाला लेवल या 38,950 के आसपास का लेवल, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा डिवाइडेशन रहा था मार्केट का, वो डिवाइडेशन तक मार्केट दोबारा आ सकता है, जिसमें ये दोनों लेवल ब्रेक होंगे, ये एरिया पर्दे के पीछे होने की वजह से प्रोटेक्शन करेगा, इसी एरिया से मार्केट वापस से एक रिएक्ट कर सकता है, और 39,000 का जो लेवल है उसके आसपास 100-150 पॉइंट या 150 पॉइंट के अंदर अंदर ये मोमेंटम है, कोई दिक्कत नहीं। 39,000 का लेवल वैसे भी ये पार कर चुका है, 150 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से जो दिख रहा है मेनली हम इस एरिया को विशेष देखेंगे, क्योंकि लास्ट के मोमेंटम बाइंग की साइड थी, एक डिप मार सकता है, उस डिप तक हम वेट करेंगे, वहां पे हमें प्राइस एक्शन मिलेंगे, हम बाइंग की साइड प्लान करेंगे, और बाइंग की साइड का प्लान हमारा रहेगा इस लेवल तक का जो कि 600 के लेवल है, 39,600 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इसमें भी पर्दे के पीछे के प्राइस एक्शंस हैं। एक सेकेंड अगर हम देखें तो ये वाला लेवल ही है 450-55, उसके बाद में ये वाले एंगल पे जाते हैं तो ये वाला लेवल क्या, 628 के आसपास, 628-700 के आसपास, 628-600 के आसपास के लेवल है मोटा मोटी देखें। ज्यादातर अब एनालाइज जो है 1 दिन का तो वही चल रहा है, ठीक है, और 1 दिन में यहाँ से भी मुझे ये समझ में आया है कि ये एरिया ब्रेक इस तरह से और इस तरह से दोनों तरह से कर चुका है, ये वाली वाली वैल्यू को भी मार्केट पार करके कवर करके ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है, और ये वाली वैल्यू को भी दे चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, बस वो रिट्रेसमेंट के बाद भी हम बाइंग देख रहे हैं। जब तक अब नीचे के ये लेवल्स क्रॉस करके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी, हम नीचे की साइड नहीं देख रहे हैं, अब बाइंग की साइड देख रहे हैं, और बाइंग की साइड ये वाला लेवल हमारा लास्ट पावर, जहाँ एक रिट्रेसमेंट आएगा उससे जो एंगल बनेंगे, क्योंकि ऊपर मेन पावर अपनी ऊपर से थी, इस जगह से अपनी पावर चल रही है, वो पावर अभी कंटिन्यू है, वो पावर कंटिन्यू, उसका ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक कि हम बाएंगे, उसके बाद में जो एंगल बनेंगे वो भी हम एक बार बाइंग की साइड ही व्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ मार्केट ठहराव कर सकता है, ठहराव में जो साइन देगा उस साइन के हिसाब से हम अपने विचार बदल भी सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट का रुख बदला तो हमें प्लान बदलना पड़ेगा, अग्रेशन के हिसाब से दिख जाएगा। तो ये सब विजिबल चीजें हैं जो साफ साफ हमें दिख रही हैं, और आज के लेवल में अगर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें मेन इंपॉर्टेंट रखती हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया था, ट्रेप हुआ था, ट्रेप होने के बाद वापस से यहाँ से मार्केट ने ट्रेप करके नीचे गया, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल, दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिदम बीच की इम्पोर्टेंट है, इस रिदम को नीचे से कनेक्ट करके ये वाली लाइन, ऊपर से कनेक्ट करके ये वाली लाइन, ये पूरी रेंज को नापा जा सकता था, तो मैंने ये रेंज निकाली थी जिसमें भी इम्पोर्टेंट मिडल का कोई पॉइंट चाहिए था, तो मिडल का पॉइंट हमने ठहराव के हिसाब से लिया था, और ठहराव कैसे निकाला था, हमने पिछले वाले वेव को एनालाइज किया था, और वेव एनालाइज जब किया था तो हमें क्या मिला था, मार्केट इस के ऊपर एक ठहराव दे चुका था, इसके नीचे एक ठहराव दे चुका था, ये फास्ट वाले एरिया था, फास्ट वाले एरिया में मार्केट स्लो हुआ है, मार्केट ने इंडिकेशन बाइंग साइड का दिया, क्योंकि मार्केट फास्ट जाना चाहिए या फास्ट ही आना चाहिए, ये ट्रेपिंग का एरिया, अगर जिस एरिया को फास्ट एक्सेस किया गया है उसको स्लो एक्सेस करता है
तो वो भी एक साइन होता है। जैसे कि आज हमने यहाँ पे साइन निकाला था, क्या साइन निकाला? फास्ट एरिया, फास्ट एरिया, ये भी फास्ट एरिया, यहाँ के आसपास स्लो एरिया हुआ था, जिससे हम सक्सेस ऊपर का ब्रेकआउट की प्लान कर सकते थे। फिर भी हमने यहाँ पे एक चैनल बना रखा था, यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट से लेके हमने चैनल बना रखा था, उस चैनल में ये पड़ाव आ रहा था, तो ब्रेकआउट हुआ था तो प्रोटेक्शन देखना जरूरी था, जो कि प्रोटेक्शन हमने निकाला यहाँ पे। उसी प्रोटेक्शन से मार्केट पलटा था उस फ्लो में। अगर मार्केट को ये लेवल तोड़ना था, वैसे तो ऐसे लिए खा चुका है, लेकिन इसमें इंडेक्स में नहीं खाया, ठीक है, फ्यूचर और ऑप्शंस में खा गया, तो ये लेवल खा चुका। और पैनिक प्रेशर हमारा इधर ये बना लिया था, और यहाँ के आसपास अगर हम पैनिक प्रेशर बनाए तो ये ब्रेक हुआ था, ये लेवल हमने पैनिक प्रेशर बोला, और उसके बाद में मार्केट पैनिकली नीचे आया भी था। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे नहीं गया, संभल गया, और मार्केट को संभाला किसने? मार्केट यहाँ से और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा ट्रेप किया हुआ है, लेकिन अब हमें यहाँ से इशारा मिलेगा। जैसे ही मार्केट इस चैनल के मिडल पॉइंट पे आया, मार्केट पूरा का पूरा संभल गया। यहाँ के आसपास पजल, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपना क्या है? फास्ट एरिया, और ये अपना क्या है? स्लो एरिया, ठीक है। ये फास्ट एरिया क्या बना? स्लो, यहाँ पे स्लो के बाद में इसने फास्टली एग्जिट किया, उसके बाद में ये एरिया कौन सा बना? स्लो, स्लो के बाद में वापस इसको फास्ट एग्जिट करके ऊपर की साइड मार्केट कैसा बना? चेजिंग। तो इस एंगल पे तब हम बाइंग के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि चेजिंग है, मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता, और ये एक एंगल को ट्रेप करने के बाद में साफ दिखाया हुआ एंगल है, जिसमें 30 सेकेंड के अंदर ये रिजेक्शन आ गया था। कैंडल को मच्योर होने से पहले रिजेक्शन दिखा दिया, यानी कि सेलर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और वो हो जाते हैं तो उनके ट्रेप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट ने अग्रेशन दिया नहीं था अभी तक, और मार्केट एंगल शार्प बना हुआ था, बिना अग्रेशन के वो मच्योर नहीं हो सकता था, इस वजह से हमने इस ट्रेड को लिया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला अग्रेशन, इस ब्रेकआउट के ऊपर आना, आगे के जो लेवल आने वाले हैं, जिनमें बीटीएसटी वाले लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करता है ये लेवल, ठीक है, और उनको अट्रैक्ट करता है। दूसरी साइड हम निफ्टी भी देख रहे थे, निफ्टी में ये ब्रेक हो चुका था लेवल, निफ्टी में ये ब्रेक हो चुका था लेवल, तो यहाँ से भी बायर्स को अग्रेशन दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेशन तो ऊपर का दे रहे हैं, लेकिन मार्केट अब जाएगा भी, अगर मान लो मार्केट ने एक डे के ऊपर क्लोज कर दिया ऊपर की साइड में, तो अब अगर मार्केट ऊपर जाए भी तो वो सीधा जाए, ये जरूरी नहीं, गैप अप के साथ निकल जाए तो एक अलग बात है, वो तुरंत रिकवर कर लेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट देगा। अगर गैप अप नहीं आया तो हमारा ज्यादा प्लान क्या होगा? यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, इस बैरियर पे हम एक सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, इस एरिया से हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू 1 मिनट चार्ट का दिए गए हिसाब से, हम जैसा भी आ रहा होगा अग्रेशन वगैरह, उसके हिसाब से बाइंग की प्लान करेंगे ऊपर के इस एरिया के हिसाब से, 3800 3900 के लेवल के आसपास, ठीक है। कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई, जिस चीज पे हमें और फोकस करने की जरूरत है? बार सोच रहा बहुत कर दिया इन्होंने, अंदर आ जाता हूँ मैं, पंखा बंद कर देता हूँ। कुछ और जो छूट गया एक्सपायरी पे हमें देखना चाहिए, पिछले 3 दिन का एक बार दोबारा से भी एनालाइज देखेंगे, जिसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो 3 दिन जो थे, जो हम एक्सपायरी पे देखते हैं, उसमें एक दिन पूरा का पूरा ये 3 दिन मिले हैं, तो तीनों के तीनों दिन अग्रेशन वाले हैं। यहाँ पे सेलर ट्रेप थे, सेलर ट्रेप हुए थे पहले वाले शुक्रवार वाले दिन। शुक्रवार वाला दिन कौन सा था? ये था ना, एक मिनट, शुक्रवार वाला दिन था 30 सितंबर वाला, एक सेकेंड, ये वाला 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक रिदम कौन सी चल रही थी? डाउन साइड की। तो डाउन साइड की रिदम में मार्केट ने लास्ट ये ट्रेप किया था, अच्छी फ्लेम, जिसमें हमने एक लेवल दिया था, डिट्टो टच करके मार्केट ऊपर गया था, 385 का दिया था, 384 पे से मार्केट ऊपर निकल गया था। तो ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे सेलर बहुत अच्छे से ट्रेप हुए थे, और मार्केट उसके बिहा पे पूरा दिन अग्रेशन में एक चेजिंग बनाया। तो ये एक दिन ऐसा था जिसमें लोगों को परेशान किया गया। एक नॉर्मली हम रिटेलर को देखें तो उसका पूरा का पूरा सोच किस साइड थी? पुट की साइड थी, पुट की साइड परेशान हुआ, क्योंकि उसने शुरुआत में कुछ कॉल में पैसा कमाया होगा, उसके बाद में जितने भी ऑप्शंस में परेशान हुआ, वो उसने पुट का एरिया की थोड़ा रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो ये एंगल पे परेशान हुआ 30 तारीख को, पुट की साइड में मार्केट में परेशान हुआ। अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन दिखा दिया, ये बात है 1 तारीख की, गैप डाउन दिखा दिया, और गैप डाउन के साथ में कंटिन्यूअसली डाउन ही कर दिया मार्केट को,
यहाँ पे एक फ्लेम ऊपर की मिली थी, एक फ्लेम के बाद में तुरंत ये नीचे की साइड आया, तो यहाँ पे जो पुट में फंसे हुए उनको तो वैसे ही पैसा नहीं मिला क्योंकि काफी मार्केट ऊपर गया हुआ, अगर फिबो तक भी आ जाता तो प्रीमियम तो बहुत ज्यादा टूट गए हैं। और ये फ्राइडे का डे था, ठीक है, ये दूसरा दिन है सोमवार को, यानी कि फ्राइडे से सोमवार के बीच में दो छुट्टी आ गई, तो वैसे भी प्रीमियम काफी इरोजन हो गए थे, तो यहाँ पे भी मार्केट में उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन वो फंसे हुए हैं। एंगल डाउन था, इसके बाद में वापिस से डाउन दिखाया, तो इस एंगल में भी लोग परेशानी हुए होंगे, पजल हुई होगी, ओवर ट्रेडिंग हुई होगी। मेनली यहाँ कॉल और पुट के डायरेक्शन दोनों दिखाए गए, और जब भी ब्रेक किया गया मार्केट में कॉल खींच दिया गया, जब भी ब्रेक किया गया मार्केट में कॉल, लास्ट वाला फ्लेम एक अच्छा मिला था। और ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ये परेशान करने वाला पोर्शन है, यहाँ भी ट्रेडर परेशान हुआ था और यहाँ पे भी पुट के अंदर परेशान हुआ। आज का दिन था पूरा पूरा गैप अप हो गया, स्टार्ट में किसी ने पैसा बना लिया बना लिया, उसके बाद में ये पूरा का पूरा जोन है ये एक लेवल पे ठहर गया। यहाँ भी मार्केट में लोगों ने कॉल वोल या पुट वुट जो जो भी लिए, कॉल में भी प्रीमियम का इरोजन, पुट में भी प्रीमियम का इरोजन, परेशान हुए हैं। तो मेनली यहाँ वाले तो चीज छोड़ दो, इसके बाद का ये वाला दिन और ये वाला दिन देखें तो लगभग मार्केट ने एक फ्लेम ली, डिस्काउंट लिया, वापिस ऊपर की साइड खड़ा हुआ है। कॉल और पुट के हिसाब से हम कुछ अब कह नहीं सकते क्योंकि इस दिन परेशान पुट वाले हुए थे, इस दिन परेशान हुआ था कॉल पुट दोनों साइड हुए थे, क्योंकि यहाँ काफी देर मार्केट ठहरने के बाद लास्ट की फ्लेम आई थी, यहाँ स्टार्टिंग में जिसने पैसा बनाया ये वाली फ्लेम, तो ये पजल कर रही है, ये भी पजल कर रही है, और ये एक तरफा ट्रेप करा हुआ मार्केट है। और अब आते हैं एक्सपायरी का डे पे जिसमें ब्रेकआउट कहीं ना कहीं दिखाया है, तो मेरे को ये लगता है कि अगर मार्केट कोई फ्लेम ऐसा दे, उसकी संभावना वैसे तो ज्यादा नहीं है लेकिन हाफ डे के बाद में दे सकता है, स्टार्टिंग का अगर गैप अप नहीं हुआ मार्केट तो ये वाला रिदम क्या कर सकता है, पजल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मेशन धीरे धीरे नीचे की साइड बनेगा, नीचे का व्यू बने, उसके बेसिस पे मार्केट पूरा ऊपर खड़ा कर सकता है। लास्ट के 11-12 से 2:30 बजे के बीच में मान लो कोई ना कोई एक फ्लेम आ सकती है, 12 से 2:30 बजे के बीच में एक फ्लेम स्टार्ट हो सकती है जो ऊपर की साइड, उसके आसपास एक मेच्योरिटी आपको डायरेक्शन वाइज नीचे की साइड मिल सकती है, जिसके हिसाब से ऊपर की प्लान करी जा सकती है। लेवल कौन से रहेंगे, लेवल यही रहेंगे इम्पोर्टेंट जो आज का दिन है, इसके बाद में तो सिर्फ गैप वाला दिन है, ये गैप हो जाएगा, फिर हम 39,600 देख रहे हैं, तो यहाँ के लेवल पे ज़्यादा लंबा लेवल है नहीं, ये लेवल एक बार निगाह में रखेंगे हम 15 मिनट के आसपास, ये लेवल के आसपास ये वाला लेवल थोड़ा एक्सेस किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, एक्सेस का कोई रीजन नहीं निकल के आ रहा, वैसे तो यहाँ से भी चेंज हुआ था तो कहीं ना कहीं ये चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर की तरह भी रिएक्ट कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट तो पेंडिंग है, इसका रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये हाई भी क्रॉस करेगा, फिर भी एक बार क्रॉस करेगा हमें सावधान रहना पड़ेगा, ये वाला हाई भी है, इसके बाद में एक गैप फिलिंग की थ्योरी कर सकता है, यानी कि जस्ट हम एक ब्रेकआउट देखते हैं ना कि ब्रेकआउट फेल होता है तो आप अपने को क्या प्लान करना होगा, ये वाला जो एरिया है अगर इसको हम मैग्नेटिक ले लेते हैं, जस्ट ये वाला एरिया, यहाँ पे एक साइकोलॉजी क्रिएट होगी गैप फिलिंग की, तो अगर हमें थोड़ा बहुत गैप अप मिल जाए और इस एरिया के आसपास, अब ये एरिया कौन सा ये भी मार्क कर लेते हैं, प्राइस लेवल यही मार्क कर देता हूँ इसमें, ये प्राइस लेवल है 39,215, ठीक है, तो 39,215 के ऊपर का बनने वाला पहला जोन 5 मिनट के ऊपर, उसको छोड़ के हम बाइंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या वहां तक का होने वाला मार्केट अगर चेंजिंग है तो कोई भी एरिया जो इसके रीटेस्ट से पहले आपको एंगल दे कनेक्टर को तोड़ते हुए, तो हम उसको बाइंग की साइड ले सकते हैं, चेंजिंग हुआ तो। अगर चेंजिंग नहीं है, मार्केट अगर उस हिसाब से आता है जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो उसमें हम पहले इस ब्रेकआउट के एरियाज को इस ब्रेकआउट के बाद का प्रोटेक्शन समझते हुए हम नीचे की साइड में ही प्ले करेंगे, यहाँ ऐसी संभावनाएं होंगी दोनों तरफ, यानी कि चेजिंग है तो बाइंग, चेजिंग नहीं है तो इस ब्रेकआउट को हम वापिस से नीचे की साइड का जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग आ रहा है वो पेंडिंग के हिसाब से हम देख सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में, ये रहेगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद में इस फ्लेम को रोक कौन सकता है ऊपर की साइड में, रोकने के लिए एंगल यही है, और एक लेवल आता है 450 के आसपास, 450 तो ऊपर चला जाएगा जिसमें कवर हो चुका है, 450 पे तो, 450 पे तो गैप फिल भी हो चुका है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर तो ये दो लेवल जो उस दिन हमने यूज लिए थे वो वाले हैं, जो 39,767 वाला लेवल है, 667, हाँ 600 के ऊपर 667 वाला लेवल है,
और एक इम्पोर्टेंट लेवल है 700, 700 पूरा एग्जैक्ट 705 है, 700 मान लो उसको, तो 700 और 667 यहाँ के आसपास मार्केट रुक सकता है। उसके बाद में भी मार्केट मान लो कि एक ही फ्लेम में अगर मार्केट गैप अप हो जाए और इसके भी ऊपर गैप अप खुले, तो पहला ही मोमेंटम अगर बाइंग दे रहा हो, स्पीड दे रहा हो, तो हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं, सीधा 667 तक जा सकता है, ऑलरेडी वो इन दोनों को पार कर चुका हो तो। नहीं तो फिर ये एक लास्ट फ्लेम है जिसके बाद मार्केट की गिरावट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं, क्योंकि रिटेलर एरिया के हिसाब से हम देख रहे हैं। ये हमारी गैप ओवर, ऑल्सो एक्ट्स रेजिस्टेंस की तरह है ना। हाँ गैप रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में भी तो लोग बाहर कूदते हैं, हाँ तो वहां से भी हम गैप फिलिंग वाली साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम मान के चले हैं तो हमें ये तो मार्क करके रखना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं इधर से बॉक्स लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप फिलिंग की साइकोलॉजी है, ये डब्बा गैप फिलिंग का है, इसका कलर कर लेते हैं हल्का, ये भी हल्का, तो ये गैप फिलिंग है। अब इस गैप फिलिंग में शुरुआती 5 मिनट की कैंडल का एरिया, ये कहीं ना कहीं वो ट्रेपिंग हो सकता है, उसको छोड़ना चाहिए, या तो जो जोन शिफ्ट नॉर्मल आ रहा तो एक या दो के आसपास जोन शिफ्ट देखें, फिर रिट्रेसमेंट जो भी मिले उसमें हम बाइंग की साइड प्लान करेंगे, ठीक है। या फिर इसी पहले जोन में आ रहा, अगर ब्रेकआउट फेल वाले स्टेप्स दिखते हैं, मार्केट चेंजिंग नहीं है, स्टेइंग के साथ आ रहा थोड़ा थोड़ा, और इसको ग्रीडी कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा और वहीं रुक रहा है, डिस्काउंट दे रहा, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है एक्सपायरी के लिए। और कोई एंगल जो समझ में नहीं आ रहा हो, हमने नहीं यूज किया हो प्रोटेक्शन के लिए? अगर हम एक चीज और देख सकते हैं कि एक फ्लेम रही ये वाली, इस साइड से, ये इस साइड से भी ब्रेकआउट दिया है, फिर इस साइड से मार्केट ने संभाला है, यहाँ के बाद में ये जगह पे ठहर के ये ब्रेकआउट, ये वाला एंगल तो हमने ऑलरेडी ले लिया, ये वाला एंगल हम और ले सकते हैं जो ऊपर की साइड में एक प्रोटेक्शन और वो रीजन बन सकता है, यहाँ आ रही तेज फ्लेम का पड़ाव दिया था, फिर ये पड़ाव इम्पोर्टेंट है या ये पड़ाव इम्पोर्टेंट है, मेन पड़ाव ये है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक काम करते हैं एक लाइन और बना लेते हैं, ये वाली लाइन, और इस लाइन को इससे कनेक्ट करें, तो इससे कनेक्ट करें, तीन टचेज मिल रहे हैं हमें यहाँ पे ऑलरेडी, तीन चार टचेज मिल रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके और आगे बढ़ा देते हैं, ताकि वहाँ आगे जाके ना काफी गैप आ जाता है, ये ठीक है, ये वाला अग्रेशन पार करने वाला एरिया भी आ गया, लगभग ये एरिया भी आ गया, यहाँ ब्रेकआउट प्रोटेक्शन वाला पार्ट भी आया है जिसमें ये पहली फ्लेम है, तो ये लाइन ठीक है, तो ये लाइन भी एक इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है। अब एक काम करते हैं, ये लाइन क्या है कि ऊपर अनलिमिटेड हो गई है, हम इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करके वापस इससे मैच करते हुए, पूरी मैच करते हुए यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा और आगे खींच लेता हूँ, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और इसके आगे की फ्लेम को हटा देता हूँ, और इस वाले कैंडल को हम कट कर देते हैं, ये सही हो गई कैंडल, सेव कर लेते हैं, ये रहेगी हमारे ऊपर के एंगल में आ रही एरिया के ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन में एक सा एक, और मुझे कुछ लग नहीं रहा, हॉरिजेंटल हमने ले रखा है तो हॉरिजेंटल यही है, एक काम करते हैं इस एरिया में ये लेते हैं और दूसरा एरिया है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक काम करते हैं दोनों के ऊपर भी प्राइस टैग लगा देते हैं हम, प्राइस टैग, ये रहा प्राइस टैग, एक तो इस एरिया पे प्राइस टैग लगा देते हैं और एक इस एरिया पे प्राइस टैग लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ये एरिया पे, ये पे लगा ही पड़ा है, इस वाले को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये तीन प्राइस इंपॉर्टेंट हो गए, ये हो गया अपना एक्सपायरी का लगभग प्लान कंप्लीट। बाकी हम एक काम करेंगे, जब मार्केट खुलेगा ना गैप अप गैप डाउन, और गैप डाउन हुआ तो फिर हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, यही लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल के आसपास और देखेंगे तो इस एरिया का कहीं ना कहीं फिबो देख सकते हैं,
यहाँ का मार्केट फिबो लेके चल रहा है, यहाँ का मार्केट अभी फिबो लेगा, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट बन जाएगा और यहाँ से एक चार्ट भी बन जाएगा, बाद में बना लेंगे ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम एक यहाँ पे चार्ट वैसा बना लेंगे। और वैसे अगर हम लाइन देखते हैं इसमें तो लाइन बनेगी, ये लाइन वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं अभी के लिए, इस लाइन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसने बॉटम क्रिएट किया है, अग्रेशन नहीं है यहाँ कुछ, तो इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस लाइन की नहीं बचती। ये वाली लाइन ठीक है, ट्रैपिंग वाली लाइन बेटर है, यहाँ एक वेव बनी थी, शार्पनेस आई थी यहाँ के आसपास, अगर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें ऊपर की साइड और करते हैं, इसको कट करके लेते हैं, ये एंगल बेटर होगा क्योंकि इससे ज़्यादा एग्रेशन यहाँ था बजाय उसके। बाकी देखेंगे इस लाइन को भी बाद में हम अपडेट कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ है ना हॉरिजॉन्टल वैल्यू और मिलानी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू में ये काम नहीं करेगी, डायरेक्ट वैल्यू में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे रही है चार्ट को ये। और इसके अंदर जो रिदम चल रही है 5 मिनट की वो ठीक है, ऊपर वाली फ्लेम एग्जेक्ट है, ऊपर वाली फ्लेम को हम यहीं रखेंगे, यहाँ से कनेक्ट नीचे और ऊपर के दोनों एंगल मिल रहे हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होने वाली, 1 मिनट, इसको इसको और एडजस्ट कर लेंगे कल, ये वाला एंगल से भी एडजस्ट हो रहा है, ठीक है लगभग ठीक है, ये वाला चार्ट भी ठीक है। ठीक है, कुछ कोई एक्सक्यूज कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, नहीं सब सही है, नहीं आया सही है। सही है ना, चल ठीक है, इसको रोकते हैं।